जो हमारा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द और भिन्नार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं तो उसको हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। देखो, आपको अपनी कॉपी में भी ऐसे ही नोट डाउन करना है जैसे मैंने आपको यहाँ शो कर दिया। सबसे पहले मेरा शब्द है यहाँ पे जग। अब जग के दो अर्थ निकलते हैं, उसी से हम दो क्या करेंगे उसके वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। जैसे जग का अर्थ होता है संसार या फिर एक बर्तन। जग का मतलब क्या होगा? संसार। जो संसार होता है उसको हम जग भी कह सकते हैं, और जो जग जिसमें हम पानी भरते हैं जो एक बर्तन होता है वो भी जग ही कहलाता है। अब हमें वाक्य में प्रयोग करना है तो सबसे पहले हम संसार का वाक्य में प्रयोग करेंगे। सारे जग का स्वामी एक है, यानी कि सारे संसार का एक ही स्वामी है। कौन है वो? ईश्वर भगवान। और एक बर्तन, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जग में पानी भरा है। जैसे मम्मी पानी जग के अंदर पानी भर के रखती है ना बर्तन में, तो उसको बोलते हैं जग में पानी भरा है। ठीक है, क्लियर है ना? जग यानी कि संसार या एक बर्तन। संसार को हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? सारे जग का स्वामी एक है और एक बर्तन जग में पानी भरा है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा शब्द है मेरा वर। अब वर के दो अर्थ होते हैं, एक वर का अर्थ होता है दूल्हा और दूसरे का होता है वरदान। दूल्हा से हम वाक्य प्रयोग करेंगे, वर वधु की जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही थी। ठीक है, वर वधु की जोड़ी, जो लड़का लड़की होते हैं, जो उसमें लड़का होता है शादी के वक्त, तो उसको हम कहते हैं दूल्हा। ठीक है, और दूसरा होता है वर का मतलब अर्थ क्या होता है? वरदान। तो वरदान का वाक्य में प्रयोग करेंगे, मुझे मेरी माँ से सुखी रहने का वर मिला है। आगे हमें यहाँ पे बता रखा है तीसरा शब्द है नाना। अब नाना के दो अर्थ होते हैं, क्या होते हैं? एक तो होते हैं जो हमारे मम्मी के पापा होते हैं उसको हम बोलते हैं नाना, और एक नाना का अर्थ होता है अनेक, यानी कि नाना प्रकार के, यानी कि अनेक प्रकार के। तो नाना का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मेरे नाना जी मुझे कहानियां सुनाते हैं। पहला प्रयोग हम क्या करेंगे? मेरे नाना जी मुझे कहानियां सुनाते हैं। और दूसरा, एक नाना का अर्थ और क्या मैंने आपको बताया? अनेक। तो अनेक से हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मेरे बगीचे में नाना प्रकार के फूल हैं, यानी कि अनेक तरीके के बहुत सारे फूल हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। देखो, हम पहले हम यहाँ कर लेते हैं नाना। नाना यानी कि माँ के पिता। मेरे नाना जी मुझे कहानियां सुनाते हैं, और एक नाना का अर्थ होता है अनेक। मेरे बगीचे में नाना प्रकार की फूल है। यहाँ पे आप नाना प्रकार के करोगे, की नहीं, ठीक है, के फूल है। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे वार। वार का एक अर्थ होता है दिन और एक अर्थ होता है आक्रमण। तो हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, दिन का आज सोमवार है। और दूसरा करेंगे आक्रमण का वाक्य में प्रयोग, दुश्मन ने छिपकर वार किया। ठीक है, वार का क्या अर्थ होता है? दिन और आक्रमण। तो दिन का वाक्य में प्रयोग करेंगे, आज सोमवार है, और आक्रमण का करेंगे कि दुश्मन ने छिपकर वार किया। फल, फल का मतलब होता है परिणाम, और दूसरा होता है सेब केला आदि। तो हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? परिणाम का लिखेंगे, तुम्हारा परीक्षा फल बहुत अच्छा रहा। ठीक है, और दूसरा करेंगे सेब केला आदि, अच्छी सेहत के लिए हमें फल खाने चाहिए। तो फल के दो अर्थ कौन से हुए? परिणाम और सेब केला आदि। तुम्हारा परीक्षा फल बहुत अच्छा रहा और अच्छी सेहत के लिए हमें फल खाने चाहिए। ऐसे ही आगे हमें यहाँ दे रखा है पत्र। तो पत्र के दो अर्थ कौन कौन से होते हैं? चिट्ठी और पत्ता। चिट्ठी और पत्ता से हमें क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। चिट्ठी से आप वाक्य बनाओगे यहाँ पे, मैंने पिताजी को पत्र लिखा। और दूसरा आप बनाओगे यहाँ पे, वाक्य में प्रयोग करोगे, केले का पत्र बहुत बड़ा होता है या पत्ता बहुत बड़ा होता है, एक ही बात है। ठीक है ना, वाक्य में प्रयोग क्या करोगे? मैंने पिताजी को पत्र लिखा, और दूसरा करोगे केले का पत्र बहुत बड़ा होता है। ये हमने किया है पत्र। आगे बढ़ते हैं हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द की ओर। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान होता है परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं,
जिस शब्द उस ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, समरूपी बिनार्थक शब्द। क्या होते हैं? जिन शब्दों का उच्चारण, जब हम उनका उच्चारण करते हैं लगभग एक जैसे ही लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं समरूपी बिनार्थक शब्द। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें दे रखा है यहाँ पे, ये शब्द दे रखा है आचार और अचार। आचार और अचार में देखो सिर्फ आ की मात्रा का फर्क है, बोलने में हमें ज्यादा अंतर नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये आचार है और ये अचार, तो उसका अर्थ क्या होगा? अचार का अर्थ होता है आचरण और अचार का चटपटा खाद्य पदार्थ। जो अचार, कैरी का अचार या दूसरे तरीके का अचार बनाए जाते हैं उसको हम अचार कहते हैं, यानी कि चटपटा खाद्य पदार्थ, खाने का पदार्थ होता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ दे रखा है बड़ा और उसी तरह बड़ा, तो बड़ा का अर्थ क्या होता है? विशाल। और बड़ा का आगे की ओर गया, वो आगे बढ़ रहा था, यानी कि आगे की ओर जा रहा था, आगे की ओर गया। ठीक है, अगला हमें यहाँ दे रखा है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? किसी से तुलना करने में हम अपेक्षा करते हैं, और ऐसे ही उपेक्षा करते हैं यानी कि हम लापरवाही दिखाते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे सूत और सुत। सूत का मतलब क्या होता है? धागा, जो सुई में डाला जाता है, जिसे सिलाई की जाती है, उसको हम सूत बोलते हैं, यानी कि धागा। ठीक है, और एक होता है सूत यानी कि पुत्र। पुत्र को कहा क्या कहा जाता है? सूत। बस मात्रा का फर्क है, देखो अगर यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा धागा, और यहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा पुत्र। सिर्फ एक मात्रा के फर्क से क्या हो जाता है? उसका अर्थ भी बदल जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं समरूपी बिनार्थक शब्द, यानी कि अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, कुछ मात्राओं के बदलते ही अर्थ का प्रयोग हो जाता है। ऐसे यहाँ अगला देखो दे रखा है अनिल। अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा। हमने पर्यायवाची में पढ़ा था ना कि हवा को क्या कह सकते हैं? अनिल कह सकते हैं। ऐसे ही अनल, अनल का अर्थ क्या होता है? आग। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे मूल्य और मूल। मूल्य का मतलब क्या होता है? कीमत, और मूल का मतलब जड़ से होता है। ठीक है, मूल्य यानी कि कीमत, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें, हम क्या करते हैं? उसका मूल्य देते हैं, यानी कि उसकी कीमत देते हैं। और एक मूल हो गया यानी कि जड़, जैसे कि पेड़ की मूल या पेड़ की जड़। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या फर्क आया, एक इसमें यह लग गया और इसमें यह ना लग करके पूरा ल लगा है, तो इससे क्या हुआ? अर्थ में परिवर्तन आ गया। यहाँ देखो आगे देखा है दिन और दीद, क्या फर्क है दोनों में? इसमें छोटी की मात्रा है और इसमें बड़ी की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे? जब छोटी की मात्रा हो जाएगी तो उसको पढ़ेंगे दिन, और दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस। और ऐसे ही दीन यानी कि गरीब, जो गरीब लोग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दीन कहते हैं। ऐसे ही अगला यहाँ पे देखा है बाहर। बाहर और बहार, आ की मात्रा का फर्क लगा हुआ है। देखो यहाँ पे जब हम ब के साथ में आ की मात्रा लगाए हैं तो उसको बोलेंगे बाहर, और ऐसे ही ह के साथ में आ की मात्रा लग गई है तो हम बोल रहे हैं बाहर। ठीक है, बाहर और बाहर और बाहर। बाहर का मतलब क्या होता है? अंदर का विलोम शब्द। अंदर का विलोम शब्द होता है ना, अंदर यानी कि बाहर, और बाहर का मतलब रौनक। जब फूलों की बहार आ जाती है यानी कि रौनक हो जाती है। आसमान और असमान। आसमान का मतलब क्या होता है? आकाश, और असमान का मतलब जो एक सा ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? असमान। निश्चित और निश्चित, निश्चित और निश्चिंत। निश्चित का मतलब होता है पक्का, कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो निश्चित होता है यानी कि पक्का होता है। और निश्चिंत यानी कि जब हमारे एग्जाम होने वाले होते हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं, खेलने में इतना व्यस्त होते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। किस काम से? अपनी पढ़ाई से। हमें चिंता ही नहीं होती, यानी कि बिना चिंता के। तो हमें क्या करना है? निश्चिंत नहीं होना, बल्कि क्या करना है? हमें पढ़ाई करनी है, उसकी चिंता करनी है कि हमें पढ़ना है और अच्छे नंबर लेके आना है। ऐसे ही आगे तक दे रखा है घन, सॉरी धन। ये अंदर का देखो घ का जो ऊपर का कर्व है मुड़ा हुआ है, तो हम इसको धन पढ़ते हैं। धन का अर्थ क्या होता है? दौलत और रुपया। और घन का मतलब, अगर हम इसको कर्व को नहीं मोड़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे घन यानी कि बादल। सिर्फ एक कर्व के मोड़ से क्या है? अर्थ प्रयोग, अर्थ में अंतर आ गया है।
धन यानी कि दौलत रुपया और घन, घन का मतलब होता है बादल। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम, अचल यानी कि पहाड़ और अचला यानी कि पृथ्वी। क्लियर है? यहाँ पे देखो दे रखा है अचल यानी कि पहाड़ और अचला यानी कि पृथ्वी। क्लियर है ना? ये हमने किए बच्चों अनेकार्थक और भिन्नार्थक शब्द। आपको अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन भी करना है, और इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है ना। सिर्फ क्या है, शब्दों के परिवर्तन से अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है,